राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यह है मेरी टिप्सी और यह है नॉडी। ये बहुत शरारती हो गया है। टिप्सी देखिए कितनी बड़ी हो गई है, नॉडी दोनों ही बच्चे 4 महीने के हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं काफी। और इनके लिए मैं सोच रही हूँ इनके लिए कुछ घर में मैं अच्छा सा बनाऊं, तो मैं इनके लिए इस बार कुकीज बना रही हूँ। इनको भी बिस्किट कुकीज ये सब बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इनके लिए भी कुछ अच्छा सा बनाना चाह रही हूँ। जैसे हम लोग अपने लिए बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, तो मैं इस बार चाहती हूँ मैं इनके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊं। तो इनके लिए आज मैं कुकीज बनाऊंगी। और आपके पास भी अगर आपके पेट हैं तो आप भी उनके लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। घर में बनी हुई होम मेड कुकीज इनको बहुत पसंद आती हैं। ये देखिए कैसे चिपकी हुई है ये, और ये है शरारती, ये तो गोदी में आता ही नहीं। ये देखिए ये है नॉडी, ये देखो कितना बदमाश है, बहुत बदमाश है। इनकी कुकीज में दोस्तों हम शुगर यूज नहीं करेंगे क्योंकि शुगर इनको नुकसान करती है, तो हम इनमें नेचुरल स्वीटनेस डालेंगे। तो मैंने ये सीताफल लिया है, इसकी प्यूरी बना के रख ली है, साथ ही ये लिए गाजर और पीनट बटर। ये सारी चीज़ें इनके लिए हेल्थी होती हैं और बहुत ही इनको फ़ायदा देती हैं। 1 कप लिया है आटा और 1/2 कप लिया है मैंने ओट्स, जो मैंने ओट्स का भी पाउडर बना के यूज कर रही हूँ। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें मिला लेंगे, एक साथ मिक्स कर लेंगे सबको, और इनका हमें डो तैयार करना है। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये कोई भी डॉग को नुकसान नहीं करेगा। ये सारे इंग्रेडिएंट उनको पसंद आने वाले हैं और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदा देते हैं। 2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें पीनट बटर, जिससे इसमें स्वीटनेस और टेस्ट दोनों ही आएगा। और इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने हाथों से मिक्स करते हुए एक डो तैयार कर लेना है। जितना टाइट हम रोटी के लिए डो रखते हैं उतना ही टाइट डो चाहिए हमें। तो इसके लिए मैंने ये जो सीताफल है इसको उबाल के इसकी प्यूरी बना ली है, और गाजर को कद्दूकस कर लिया है। 2 गाजर लिए मैंने, 1/2 के करीबन सीताफल है। तो इन सबको मिला के हमने इसका डो तैयार करना है। इसमें दोस्तों पानी यूज नहीं होगा, सीताफल से ही डो तैयार हो जाएगा। इसी को हम सेम बनाना फ्लेवर में भी बना सकते हैं। आप बनाना डाल दीजिए इसमें आटे में गाजर और सीताफल की जगह, तो ये बनाना कुकीज़ बन जाएगी। तो अब ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है, तो इसके मैं 2-3 हिस्से कर लूँगी। और इसको हमने प्लेटफॉर्म पे ही बेलना है क्योंकि इसकी बड़ी सी रोटी बनाएंगे, और रोटी से थोड़ा इसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी है, तो रोटी से थोड़ा मोटा बेलेंगे इसको। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप कुकीज़ कटर भी यूज कर सकते हैं इसकी कुकीज़ बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास कुकीज़ कटर नहीं है तो मैं जुगाड़ से इसकी कुकीज़ बनाती हूँ। मेरे पास छोटा सा एक गिलास पड़ा हुआ है, तो मैं उसी से इसकी कुकीज़ बना लूँगी। और बेकिंग ट्रे की जगह मैं ये जाली यूज कर रही हूँ, इसमें मैं पिज्ज़ा बनाती हूँ, पिज्ज़ा बेस। कई बार दोस्तों बहुत सी चीज़ें हमारे पास घर में नहीं होती हैं, तो ऐसे जुगाड़ से भी काम हो जाता है। आपके पास अवन ना हो तो आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई या कुकर में, तो बन जाती है आराम से। तो इस तरीके से हमने सारी कुकीज़ तैयार करनी है, और इनको हम इस नेट पे रख लेंगे। नेट पे मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है, तो इस नेट में रखेंगे। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इनको मैं डिजाइन दे के देखूँ, तो वैसे तो डिजाइन बनेगा नहीं, लेकिन ये जाली है, मैं इसमें हाथों से प्रेस करके इसको थोड़ा सा डिजाइन देने की कोशिश करती हूँ, इससे ये देखने में भी सुंदर लगेगी। तो ऐसे हमने सारी तैयार कर लेनी है एक साथ, जितनी भी एक साथ आप बेक कर सको उतनी सारी एक साथ बना के रख लेनी है। इनको नेट के ऊपर रख के हल्के से प्रेस कर दूंगी, तो इसके नेट का डिजाइन इनमें कुकीज़ में आ जाएगा। और अब प्लेट दूंगी, तो ये देखिए दोनों तरफ से इनका डिजाइन बन जाता है, तो ये देखने में सुंदर लग रही हैं। तो अब इनको मैंने अवन में बेक कर लेना है। अवन को मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है 200 डिग्री पे, तो ये हमने 30 मिनट के लिए इनको रखना है, और 30 मिनट में ये बन जाएंगी। तो चलिए ये गई हमारी ट्रे अवन के अंदर, और अब हम इसको 30 मिनट बाद देखेंगे कि ये हमारी बनके रेडी हुई है या नहीं। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो ये हमारी कुकीज़ बनके रेडी हो चुकी हैं, तो इनको प्लेट में रख लेते हैं सारी, और चलिए खिलाते हैं हमारी नॉडी टिप्सी को, देखते हैं उनको पसंद आती है या नहीं आती। मैंने तो उनके लिए खूब सारी कुकीज़ बना के रख ली है, अगर पसंद नहीं आई तो ये सब मैं भी नहीं खा सकती, तो चलिए देखते हैं। वैसे खा तो मैं सकती हूँ इनको, लेकिन इनमें स्वीटनेस नहीं है। वैसे तो ये हेल्थी हैं,
लेकिन फिर भी उनके लिए बनाई है तो उन्हें ही खानी पड़ेंगी। अब चलिए देखते हैं खाते हैं नहीं खाते ही। कौन खाएगा ये? रुक जाओ नॉडी, ये लो। ओ ओ पसंद आया, अच्छा लगा नॉडी, अच्छा लगा। हेलो हेलो, और सारे खा जाने अभी। ये देखो भाई, ये सारे खाने को राजी हैं, इनको बिस्कुट बहुत पसंद आया इनको। रुको एक को मिलेगा, एक बार मैं आप सीट हो जाओ नॉडी, पहले टिप्सी खाएगी नॉडी। शीट शीट नॉडी, पहले शीट हो जाओ। हाँ गुड बॉय, बस अब और नहीं दूंगी, सारे आज ही थोड़ी खाने हैं बस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।